So hi guys and welcome to new modify wavelets channel. तो आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने चले हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के साथ. सपोर्ट करते जाइए वेवलेट को. वेवलेट एक दिन इंडिया में ज़रूर आएगा. और हम अपने वीडियो पे चलते हैं. तो आज का वीडियो है बिग बीस्ट को लेकर. बिग बीस्ट ऑल सीजन में है या नहीं है ये मैं बताने चला हूँ, आप लोग जानते होंगे. तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के. सो हाय गाइस, तो आप लोग सब जानते हैं कि वेवलेट ओरिजिनल सीरीज में ही सिर्फ वेवलेट बिग बीस्ट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन दूसरे सीरीज में वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था या फिर नाम चेंज कर स्प्रिट रख दिया गया था. लेकिन सब यूट्यूबर्स या ये बात गलत कहते हैं कि सिर्फ ओरिजिनल सीरीज में ही बिग बीस्ट का कॉन्सेप्ट था या ओरिजिनल सीरीज से ही स्पिरिट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था. जब काय ब्रुकलिन को हरा रहा था तभी काय ने वेवलेट स्पिरिट की बात की थी. उसके बाद वेवलेट स्पिरिट मतलब वेवलेट जब बिग बीस्ट के साथ होता था तब बिग बीस्ट केनी के लैपटॉप में भी होता था. केनी के लैपटॉप सीजन वन और सीजन टू के सिवा सीजन थ्री और मतलब जी रेवोल्यूशन में कभी भी केनी के लैपटॉप को बोलते नहीं देखा गया. और बिग बीस्ट का वर्ड वेवलेट जी रेवोल्यूशन में भी कभी यूज़ नहीं किया गया. बिग बीस्ट का वर्ड आप लोग अगर वेवलेट जी रेवोल्यूशन या वेवलेट ओरिजिनल सीरीज के फैन हैं, अच्छे से देखे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वेवलेट ओरिजिनल सीरीज में ये बात बिग बीस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है. और किन्नी का लैपटॉप डी सी भी ये बात कभी नहीं कहा. तो वेवलेट के जितने भी फैन हैं या नहीं जानते हैं वो फिर से देखिए मेरे बात को विश्वास करने के लिए. तो वेवलेट यही बात होता है, यही बात फोकस होता है कि वेवलेट जी रेवोल्यूशन से ही बिग बीस्ट का कॉन्सेप्ट हट गया था. और वेवलेट मेटल सीरीज बर्स्ट सीरीज उसके बाद से बिग बीस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, स्पिरिट वर्ड का यूज़ करना शुरू हुआ. दोस्तों अगर आप मेरे बात के विश्वास नहीं हो रहा तो जाइए फिर से यूट्यूब पे ही या फिर और कहीं पे देखिए कि वेवलेट ओरिजिनल सीरीज में मतलब जी रेवोल्यूशन एपिसोड में बिग बीस्ट का शब्द कहीं लिया हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो करना मत भूलना क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो था. जो अंधविश्वास आपके मन में था उसे हटाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था. तो आज यही रख रहा हूँ. तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.